ओमिक्रॉन की एंट्री होते ही हतैब से एक बार फिर बूस्टर डोज की डिमांड आने लगी है। ये बूस्टर डोज क्या है, कैसे ये कोरोना के केसेस का सामना करने से हमें बचा सकता है और अभी तक किन देशों ने इसे अपनाया है। तो पहले बात करते हैं कि ओमिक्रॉन आने के बाद बूस्टर डोज की चर्चा क्यों हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड होने के बाद भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए। वैक्सीन लगने के 9 महीने से 1 साल तक आपके शरीर में एंटीबॉडी रहती है। शरीर में एंटीबॉडी लेवल बनाए रखने के लिए बूस्टर डोज दिया जाता है, लेकिन ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है अभी इसकी कोई स्टडी नहीं हुई है। लेकिन अगर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम होती है तो बूस्टर डोज देना पड़ेगा। दूसरी जरूरी बात कि भारत सरकार बूस्टर डोज को लेकर क्या कर रही है। देश के कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा है कि सरकार गंभीर रोगियों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए वैक्सीन की एडिशनल डोज यानी कि बूस्टर डोज पर नई पॉलिसी लाने जा रही है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप इस पॉलिसी को 2 हफ्ते में तैयार करेगा। साथ ही ये बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी नई पॉलिसी लाने जा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने भारत में बूस्टर डोज के रूप में कोविशील्ड वैक्सीन के लिए ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी ले ली है। केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ने भी केंद्र सरकार से अपील की है कि वो ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बूस्टर डोज पर कोई फैसला ले। माना जा रहा है कि 15 दिन के भीतर सरकार बूस्टर डोज पर गाइडलाइन जारी कर सकती है। तो क्या सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाएगा? नहीं, अलग अलग देशों में बूस्टर डोज के लिए अलग अलग शर्तें हैं। दुनिया भर के 35 से भी ज्यादा देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज दे रहे हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लोगों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इसराइल सबसे पहला देश है जिसने बूस्टर डोज देने की शुरुआत की थी। इसराइल जुलाई से ही अपने नागरिकों को वैक्सीन का बूस्टर डोज लगा रहा है। कई देश केवल 40 प्लस उम्र के लोगों को तो कई सिर्फ 18 से ज्यादा वाले को बूस्टर डोज दे रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इसराइल, जापान भी बूस्टर डोज दे रहे हैं। बूस्टर डोज कोई अलग वैक्सीन नहीं है, इसलिए अगर ये लगता है तो आपको हल्का बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द जैसे सामान्य लक्षण हो सकते हैं। अब ये बूस्टर डोज ओमिक्रॉन पर कितना कारगर है इसकी रिसर्च फिलहाल चल रही है। और भी ऐसी खबरों के लिए